सर ये 3D का आइडिया किसका था कि 3D में कन्वर्ट करते हैं पूरी फिल्म को, या क्योंकि ड्यूरिंग द शूटिंग हमें ये पता नहीं चली थी बात की क्योंकि कैमरे से नहीं, देख वो सकते। हमने बात सीक्रेट रखी थी और ये आइडिया हम लोग के दिमाग में था, पर रेमो वॉज वेरी इंसिस्टेंट, क्योंकि रेमो ने पहले दो पिक्चरें 3D में बनाई हैं, जी तो ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि इसको भी 3D करेंगे, इतना बड़ा एक्शन है, इतना बड़ा लेवल है, इतना बड़ा माउंटिंग है, तो इस पिक्चर को 3D करना बहुत जस्टिफाई होगा, इसलिए फिर हमने भी सोचा कि हाँ इसको 3D करना चाहिए। अच्छा सर, पूरी शूटिंग के बाद 3D में कन्वर्ट हुआ या शूटिंग? नहीं, शूटिंग ही उस हिसाब से की गई है जैसे कि 3D को वो जस्टिफाई कर सके। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि 15 जून को रिलीज हो रही है फिल्म, बहुत कम दिन बचे हैं, बटरफ्लाइज आ रही है स्टमक में? हाँ डेफिनेटली वो एंजाइटी रहती है, एक्साइटमेंट रहती है, बट आई थिंक इस पिक्चर में मुझे उतनी भी एंजाइटी नहीं है क्योंकि इसमें सलमान खान है और मेरी पिक्चर बहुत अच्छी है, मेरी स्टोरी बहुत अच्छी है और जो रेस जॉनर है उसको प्रॉपर जस्टिफाई किया है, तो मुझे लगता है आई थिंक पीपल विल लव इट।